महोदय, अच्छी फसल इसलिए हुई कि एक कार्यक्रम बना घनी खेती का, और दूसरे साधन हमारे किसान भाइयों को मिले। उन्होंने उन साधनों का, अच्छे बीजों का और दूसरे सभी साधनों का अच्छा उपयोग किया, जिससे हमारी पैदावार बढ़ी। ये एक प्रकार की क्रांति हैं। इस क्रांति से हमारी नींव और मजबूत बनेगी और उस नींव पर हम आगे बढ़ सकेंगे, अपने उद्योग और दूसरे काम भी और तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य समस्याएं भी बढ़ीं। मुझे मालूम है कि इन साधनों का उपयोग केवल वे किसान कर सके हैं जिनके पास सिंचाई का प्रबंध पहले से था, और हमें खुशी है कि उनकी आमदनी बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, जिससे हमें बाहर से अनाज कम मंगाना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ वे किसान जिनकी संख्या देश में अधिक है, जिनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, इन साधनों का उपयोग नहीं कर सके, इनका लाभ उनको नहीं पहुंच सका। इसलिए इन दोनों सिंचाई वाले और सूखी खेती वाले किसानों के बीच का जो अंतर बढ़ा है, इसको हमें देखना है और इस संबंध में हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो सूखी खेती वाले हैं, कैसे उनके पास शीघ्र से शीघ्र सिंचाई और दूसरे साधन पहुंच सकें, जिससे वे भी उत्पादन बढ़ा सकें, देश को मजबूत बनाने में, देश को अनाज देने के काम में भी वे भाग ले सकें, और अपने जीवन को वह इस तरह से सुधार सकें। खेती के उत्पादन पर हमारे उद्योग भी काफ़ी निर्भर हैं। खेती का उत्पादन अच्छा होने का थोड़ा प्रभाव हमारे उद्योगों पर भी आया है, और हमें आशा है कि हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। पिछले वर्ष मैंने आपसे कहा था, अंधेरी रात के बाद प्रभात अवश्य आता है, और ऐसा ही हुआ। अंधेरे में से अब हम निकल रहे हैं। हमारी सब समस्याएं ठीक नहीं हुई, लेकिन हमें उजाला दिख रहा है, और अगर हम उसकी तरफ मजबूती से बढ़ते रहे तो एक नया जीवन अपनी जनता के लिए जल्द बना सकेंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, वैसे वैसे नई मांगें भी खड़ी होती हैं। आजकल बहुत से गुट और संगठन हैं जिन्होंने अपनी मांगें प्रकट की हैं, और उनमें से बहुत सी मांगें ठीक भी हैं, उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी सोचना है, चाहे मजदूर हों, अध्यापक हों या दफ्तर में काम करने वाले हों, कि उनके साथ कुछ संगठन हैं, वे अपने आवाज़ औरों से हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारी लाखों करोड़ों की जनता ऐसी भी है जो इनसे भी ज़्यादा गरीब है, जो ना पढ़ी लिखी है और ना उसने कोई विशेष काम सीखा है।